जन्नत जूस स्टफ, निया निकाह पैलेस, अस्करी मार्केट, चौराहा जी डीबी नगर, करेली, प्रयागराज। 100% इंडियन फ्रूट, 0% कॉन्सेंट्रेट। पिछले महीने मिर्जापुर जिले के एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी परोसने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जिला प्रशासन ने उस स्थानीय पत्रकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है जिसने इसका वीडियो बनाया था। पुलिस ने इस मामले में स्थानीय पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ साजिश करने के तहत FIR दर्ज की है। FIR में पत्रकार के खिलाफ ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के साथ मिलकर साजिशन नमक रोटी खाने का वीडियो बनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने पत्रकार पवन जायसवाल और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार पाल और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ IPC की धारा 120B, 186, 193 और 420 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं पत्रकार पवन जायसवाल ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने किरकिरी होते देख उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज किए। पवन ने कहा कि वह तो केवल खबर के लिए स्कूल गए थे जो कि उनकी ड्यूटी थी। जाने से पहले उन्होंने असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्रजेश सिंह को फोन करके सूचना भी दी थी। आप खुद ही सुनिए पवन जायसवाल ने अपने इस वीडियो में क्या कहा। पवन जायसवाल है, मैं क्षेत्रीय पत्रकार हूं और एक पेपर में डेली न्यूज पेपर में लिखता हूं। हमें प्राथमिक विद्यालय सीउर जो ब्लॉक जमालपुर पड़ता है मिर्जापुर के अंदर, मेरे को इसके बारे में कई दिन सूचना मिल रही थी कि विद्यालय में बच्चों को अन्य के साथ मिड डे मील में अनियमितता बरती जा रही है। कभी नमक रोटी तो कभी नमक चावल दिया जा रहा है, जिसके बाद हम 22 अगस्त को वहाँ पे एक लोग का फ़ोन आया और उनके फ़ोन के अनुसार मैं खबर बनाने के लिए जा रहा था और इसकी सूचना मैंने ABS से जो ब्रजेश कुमार सिंह करके हैं उनको दिया था कि मैं आपके स्कूल पर जा रहा हूँ खबर बनाने के लिए। और मैं वहाँ पर गया, जाने के बाद मैंने देखा बच्चे नमक रोटी, 12:07 में मैंने पहला वीडियो बनाया जिसमें देखा मैंने नमक रोटी बच्चे खा रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये अपने ऊपर जिले में बैठे रिपोर्टरों को ये सूचना दिया, तो इसके बाद उन्होंने DM को ये बात बताई। DM खबर चलने के पहले मात्र सूचना से ही वहाँ पे जा कर के पूरा जाँच किए, जाँच करने के बाद तुरंत प्रभाव से कई लोगों को निलंबित किया। उसके बाद मामला ये हाई प्रोफाइल हो गया। ये जिला प्रशासन अपनी किरकिरी न हो इसके लिए इन्होंने अपना किरकिरी होता देख और हमारे ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज कर दिए। ऐसे में ये पत्रकारिता का दोहन हो रहा है और कोई भी समाज के प्रति इस तरीके से अगर खबर उजागर करता है तो उसके साथ इस तरह से कार्रवाई किया जाता है। एवं आप जो भी चीज़ें हैं उसका पुष्टि कर लें, खबर देख लें और एक भी चीज़ की उसमें क्रेडिट नहीं है। बता दें कि सीउर विद्यालय में 22 अगस्त को करीब 100 बच्चों को मिड डे मील के नाम पर नमक और रोटी बांटी गई थी। बच्चों को नमक और रोटी बांटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। DM अनुराग पटेल ने माना था कि जांच में बच्चों को नमक रोटी खिलाने की बात सही पाई गई थी, जिसके बाद ABSA ब्रजेश सिंह को निलंबित कर दिया था और BSA को ट्रांसफर करने की शासन से सिफारिश करने के साथ ही उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया था। हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सूचना मिली थी कि प्राथमिक विद्यालय जो सीउर है जहां हम लोग आज खड़े हुए हैं, ये हमारे जमालपुर विकासखंड का ये प्राथमिक विद्यालय है और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से सूचना मिली थी कि यहाँ पर कल बच्चों को रोटी और नमक दिया गया है MDM के रूप में। तो कल जैसे मुझे सूचना मिली थी मैंने तत्काल अपने SDM चुनार को बताया, इसको इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें, तो नायब तहसीलदार को भेजा था और नायब तहसीलदार ने मुझे व्हाट्सएप किया कि यहाँ पर जो शिकायत है वो सही है कि यहाँ कल रोटी और नमक ही। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब।